नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम आपके लिए इंडियन पॉलिटी के 1000 क्वेश्चंस की सीरीज का पार्ट नंबर 4 लेकर आ गए हैं। ये क्वेश्चंस बार बार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, कोई भी एग्जाम हो दोस्तों, सभी परीक्षाओं के लिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, बहुत ज़्यादा यूजफुल रहने वाले हैं। दोस्तों आपके एग्जाम में इनसे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, 100% गारंटी से यहीं से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। प्लीज इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, आपसे रिक्वेस्ट है प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दे ताकि जो भी डाउट है साथ में ही क्लियर होते चले जाए। क्वेश्चंस अच्छे लगे क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। फ्री PDF के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना, टेलीग्राम चैनल का लिंक इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलिएगा फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों पहला क्वेश्चन है, संविधान में संशोधन किसके द्वारा किया जा सकता है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो संसद के द्वारा किया जा सकता है संविधान में संशोधन, बी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, किस मौलिक अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया है। तो किस मौलिक अधिकार को कहा गया है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को दोस्तों संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा, सी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, दो राज्यों के लिए संयुक्त उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार किसको प्रदान किया गया है, संसद को प्रदान किया गया है, डी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, संसद के प्रत्येक सदन की बैठक में पहला विषय कौन सा होता है, तो पहला विषय होता है प्रश्नकाल, यानी बी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, प्रश्नकाल बी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारतीय संसद को मूल अधिकारों में संशोधन का अधिकार किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा प्राप्त हुआ है, तो ये 24वीं संविधान संशोधन के द्वारा हुआ है, ए ऑप्शन रहेगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, नए राज्य बनाने संबंधी बिल को पेश करने के लिए किसकी अनुशंसा आवश्यक होती है, तो राष्ट्रपति की अनुशंसा आवश्यक होती है, डी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख है, तो अनुच्छेद 52 में है राष्ट्रपति का उल्लेख, तो सी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद में राज्यसभा का सभापति और उपसभापति का उल्लेख है, तो अनुच्छेद 89 में है राज्यसभा के सभापति और उपसभापति का उल्लेख, बी ऑप्शन रहेगा दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट है, संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति किस अनुच्छेद में उल्लेखित है, तो ये अनुच्छेद 123 में उल्लेखित है, ए ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट है, क्या उपराष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है, क्या हटाया जा सकता है, नहीं हटाया जा सकता राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा, तो ए ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद बाल श्रम का निषेध करता है, तो दोस्तों अनुच्छेद 24 करता है बाल श्रम का निषेध, बी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, इस क्वेश्चन में दिया कि उपराष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है, तो उपराष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा नहीं हटाया जा सकता। ठीक है, नेक्स्ट, कौन सा अनुच्छेद संसद के दो अधिवेशनों के बीच 6 महीने के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है, तो ये करता है अनुच्छेद कौन सा करता है दोस्तों, अनुच्छेद 85 करता है, आर्टिकल 85, डी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, किन स्थितियों के आधार पर राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है, तो दोस्तों याद रखना बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के कारण दोस्तों, यानी आधार पर, इन स्थितियों के आधार पर राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है, तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, ऑप्शन ए और बी दोनों। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुसार केंद्र की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित है, तो संविधान के अनुसार, भारतीय संविधान के अनुसार केंद्र की कार्यपालक शक्ति जो है किस में निहित है, राष्ट्रपति में निहित है, ए ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, संवैधानिक संशोधन के लिए विधेयक को संसद की किस
संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? तो किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। ए ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत करते हैं? अनुच्छेद 76 के अंतर्गत करते हैं, आर्टिकल 76। सी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, राज्य के निम्न सदन को क्या कहा जाता है? दोस्तों विधानसभा कहा जाता है राज्य के निम्न सदन को। सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, विधानसभा। नेक्स्ट है, राज्यपाल पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? दोस्तों तो राज्यपाल पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा है 35 वर्ष। डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, 35 वर्ष। नेक्स्ट देखिए, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो पुनरीक्षण की, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के द्वारा। यानी सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, ए और बी दोनों। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल की जिम्मेदारी किसके प्रति होती है? तो लोकसभा के प्रति होती है केंद्रीय मंत्रिमंडल की जिम्मेदारी। ए ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग का उल्लेख किया गया है? क्लास को लाइक नहीं किया, लाइक करें, शेयर नहीं किया, शेयर करें। तो संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग का उल्लेख किया गया है? दोस्तों अनुच्छेद 280 में किया गया है, आर्टिकल 280। सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट, नियंत्रक महालेखा परीक्षक अपनी रिपोर्ट किसके समक्ष प्रस्तुत करता है? तो ये राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करता है। डी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, किसी व्यक्ति की नज़रबंदी वैध है या अवैध, यह निर्णय करने के लिए न्यायालय कौन सी रिट जारी करता है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जारी करता है। सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, हैबियस कॉर्पस। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा का उल्लेख किया गया है? तो ये अनुच्छेद 110 में किया गया है, धन विधेयक की परिभाषा का उल्लेख। बी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारत में सर्वोच्च सत्ता का धारक कौन है? तो भारत की जनता है भारत में सर्वोच्च सत्ता का धारक। तो डी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, भारत की जनता। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये होता है दोस्तों प्रधानमंत्री। कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। बी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारतीय संघ में अवशिष्ट विषय किस सरकार के पास हैं? तो ये है दोस्तों केंद्र सरकार के पास हैं, भारत में भारतीय संघ में अवशिष्ट विषय। तो सी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है? तो ये नीति निदेशक तत्व देता है। कौन देता है? नीति निदेशक तत्व। ऑप्शन ए रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, संविधान के अनुसार लोकसभा के स्पीकर को उसके पद से कब हटाया जा सकता है? तो संसद के सभी सदस्यों के बहुमत द्वारा प्रस्ताव पारित हो, ठीक है, तो हटाया जा सकता है। डी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है? तो ये इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है। सी ऑप्शन रहेगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेदों में दिया गया है? दोस्तों ये दिया गया है समानता का जो अधिकार है, याद रखना, अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 में दिया गया है, अनुच्छेद 14 से 18 में, ठीक है, समानता का अधिकार। डी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 19 से 22 में स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है दोस्तों। किसका अधिकार दिया गया है? स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, याद रखना, ठीक है। और अनुच्छेद 25 से 28 में दिया गया है दोस्तों धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, धार्मिक स्वतंत्रता, इतना याद रखना, ठीक है। बहुत बड़े एग्जाम में क्वेश्चन दोस्तों ये पूछा जाता है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 में आता है, शोषण के जो अधिकार है वो अनुच्छेद 23-24 में आता है, ठीक है दोस्तों। सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधित जो अधिकार है वो 19 और अनुच्छेद 29 और 30 में आता है,
इतना याद रख लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, कौन से प्रधानमंत्री एक भी दिन संसद नहीं गए थे? तो चौधरी चरण सिंह नहीं गए थे एक भी दिन संसद में, बी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारत में कुल कितने उप प्रधानमंत्री हुए हैं दोस्तों? तो 7 उप प्रधानमंत्री हुए हैं भारत में, ऑप्शन सी रहेगा राइट आंसर। सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोरारजी देसाई, जगजीवन राम, चौधरी चरण सिंह, वाई वी चौहान, चौधरी देवीलाल, ठीक है, और लाल कृष्ण अडवाणी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस विधेयक को संसद में दोनों सदनों के द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित करना आवश्यक है? तो संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा, तो भी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, एक बार स्पीकर सदा स्पीकर की परंपरा कहाँ अपनाई गई है? तो ब्रिटेन में अपनाई गई है एक बार स्पीकर सदा स्पीकर की परंपरा, सी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का दोस्त राइट आंसर। नेक्स्ट है, बॉम्बे राज्य को विभाजित करके महाराष्ट्र एवं गुजरात नए राज्य कब बनाए गए थे? तो 1960 में बनाया गया था दोस्तों, बी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 1 मई 1960 को बॉम्बे प्रदेश को बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम 1960 दो राज्य महाराष्ट्र और गुजरात में दोस्तों बदला गया, बनाया गया, ठीक है। नेक्स्ट, राज्य की आकस्मिक निधि का परिचालन कौन करता है? राज्यपाल करता है, डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, राज्यपाल। नेक्स्ट, संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? तो ये प्रधानमंत्री के पास होती है, बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, प्रधानमंत्री। नेक्स्ट, भारत का प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन था? तो मोरारजी देसाई थे 1977 में, डी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, सी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारत का नागरिक किसकी अनुमति प्राप्त किए बिना किसी विदेशी राष्ट्र से कोई भी उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता? तो ये दोस्तों कौन सा, राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त किए बिना, ऑप्शन ए रहेगा राइट आंसर, राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त किए बिना किसी विदेशी राष्ट्र से कोई भी उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता भारत का नागरिक। नेक्स्ट है, अवैध तरीकों से हिरासत में लिए गए व्यक्ति को रिहा करने के लिए कौन सी रिट लगाई जाती है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस की, सी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, मनी बिल किस अनुच्छेद से संबंधित है? मनी बिल का संबंध है अनुच्छेद 110(3) से, डी ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, प्रथम लोकपाल विधेयक कब प्रस्तुत किया गया? दोस्तों 1968 में प्रथम लोकपाल विधेयक प्रस्तुत किया गया, ए ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, ब्रिटिश भारत में गवर्नर जनरल के पद के स्थान पर वायसराय पद की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1858 में भारत सरकार अधिनियम के द्वारा, 1858 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा, तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के डैश में संशोधन नहीं किया जा सकता, तो प्रस्तावना में, मूल संरचना में संशोधन नहीं किया जा सकता, सी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के सदनों की अवधि का उल्लेख किया गया है? दोस्तों सभी क्वेश्चन टॉप लेवल के हैं, इससे बाहर इंडियन पॉलिटी में कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा, जो करवा रहा हूं 1000 क्वेश्चन करवा रहा हूं, कर लीजिए, कोई भी एग्जाम पूरे भारत देश में सभी एग्जाम में काम आएंगे, कोई भी एग्जाम हो सभी एग्जाम में, इनसे बाहर कोई क्वेश्चन आज तक ना तो पूछा गया है ना ही पूछा जाएगा। देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के सदनों की अवधि का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 83 में किया गया है, तो भी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट, मतों की समानता के मामले में अध्यक्ष के पास एक निर्णायक मत होगा और उसका प्रयोग करेगा, किस अनुच्छेद में प्रावधान है? तो ये अनुच्छेद 100 में प्रावधान है, ठीक है, ऑप्शन ए रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो ये संसद के पास है, संसद के पास, डी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, सामूहिक रूप से मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? तो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, सी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट, राष्ट्रपति की मृत्यु के बाद उपराष्ट्रपति
राष्ट्रपति का पद कब तक संभाल सकता है? अधिकतम 6 महीने तक संभाल सकता है। बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन कितनी अवधि के पश्चात करते हैं? क्लास को लाइक नहीं किया, लाइक करें, शेयर नहीं किया, शेयर करें। प्रत्येक 5 वर्ष में करते हैं। ए ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने अन्य न्यायाधीश होते हैं? 33 होते हैं। तो डी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति बनने से पूर्व भारत रत्न अलंकरण से सम्मानित निम्न में से कौन हुए हैं? तो ये हुए हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, ए और बी दोनों। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत का संविधान भारत को किस रूप में वर्णित करता है? तो राज्यों के संघ के रूप में वर्णित करता है। बी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट, किस सूची के विषय केंद्र और राज्य दोनों के ही क्षेत्राधिकार में आते हैं? दोनों के ही क्षेत्राधिकार में आते हैं, तो समवर्ती सूची। ठीक है, समवर्ती सूची के विषय केंद्र और राज्य दोनों के ही क्षेत्राधिकार में आते हैं। सी ऑप्शन रहेगा दोस्त राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारतीय वन सेवा को किस सेवा के अंतर्गत रखा गया है? तो अखिल भारतीय सेवा के अंतर्गत रखा गया है। तो डी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, संविधान का कौन सा अनुच्छेद सामाजिक समानता का अधिकार प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 15 करता है। ठीक है, ऑप्शन सी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। राज्य भी दोस्तों किसी भी नागरिक के साथ जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान और वंश के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है? तो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत करता है राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट, संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों को कौन निलंबित कर सकता है? तो राष्ट्रपति कर सकता है निलंबित। बी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता का उल्लेख है? तो ये अनुच्छेद 44 में, आर्टिकल 44 में है। सी ऑप्शन रहेगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति का निर्वाचन उल्लेखित है? तो अनुच्छेद 54 में, आर्टिकल 54। बी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद में लोकसभा की संरचना का उल्लेख है? तो ये अनुच्छेद 81 में है, लोकसभा की संरचना का उल्लेख। ए ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण का उल्लेख है? तो ये अनुच्छेद किस में है? अनुच्छेद 87 में, आर्टिकल 87। डी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट, भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त होने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? 25 वर्ष, 25 ईयर्स। ए ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसको देता है? दोस्तों राष्ट्रपति को देता है उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र। सी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट, आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा की अवधि एक बार में कितने समय के लिए बढ़ा सकती है? तो 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। ठीक है, बी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट, रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों प्लेटो रिपब्लिक पुस्तक के लेखक हैं। ठीक है, ए ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट, केंद्र राज्य विवाद से संबंधित कौन सी समिति थी? तो ये थी राजमन्नार समिति 1970 में। ठीक है, तो बी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट, तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था? तेलंगाना राज्य का गठन हुआ था 2 जून 2014 को। डी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, दहेज प्रथा पर कब रोक लगाई गई थी? दोस्तों तो दहेज प्रथा पर रोक लगाई गई थी 20 मई 1961 में। बी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 20 मई 1961 संसद में दोस्तों रोक लगाई गई। और दोस्तों याद रखना, दहेज निरोधक अधिनियम 1961 लागू हुआ था 1 जुलाई 1961 को। ठीक है, नेक्स्ट, आरटीआई एक्ट कब लागू हुआ था? दोस्तों
तो ये लागू हुआ था 12 अक्टूबर 2005 में। तो ए ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट, लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने एंग्लो इंडियन सदस्य नामित किए जाते थे? तो 22 सॉरी कितने नामित किए जाते थे? दो सदस्य नामित किए जाते थे लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा, दो एंग्लो इंडियन नामित किए जाते थे। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, आठवीं अनुसूची में कितनी भाषा है दोस्तों? 22 भाषाएं हैं। बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। कौन सी हैं ध्यान से सुन लीजिए एक बार, असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, संस्कृत, पंजाबी, तेलुगु, तमिल, सिंधी, संथाली, उर्दू, बोडो, डोगरी और मैथिली। ये ध्यान से सुन लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, गोवा को किस वर्ष राज्य का दर्जा दिया गया? 1987 में दिया गया गोवा को राज्य का दर्जा। ए ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुसार भारत का स्वरूप क्या है? संघीय राज्य का स्वरूप है। तो बी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में दल बदल विरोधी विधेयक पास हुआ था? तो ये राजीव गांधी के कार्यकाल में पास हुआ था दल बदल विरोधी विधेयक। ए ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से कौन कौन सी मुख्य शक्ति ली गई है दोस्तों? तो प्रस्तावना की भाषा और समवर्ती सूची का जो प्रावधान है ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। डी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, चौथी अनुसूची में किसका विवरण दिया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो याद रखना, चौथी अनुसूची में विवरण दिया गया है राज्यसभा में विभिन्न राज्यों संघीय क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व का, यानी ऑप्शन डी, ए और बी दोनों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली भाषा को संविधान के आठवीं अनुसूची में कब जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया 1992 में। बी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट, 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो न्यायमूर्ति फजल अली थे। ए ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, राजभाषा, देखिए राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे दोस्तों वी जी खरे। डी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? 2 सितंबर 1946 को हुआ था। सी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट, संसद के प्रत्येक सदन की बैठक की कार्य सूची में पहला विषय कौन सा होता है? तो पहला विषय प्रश्नकाल का होता है। तो बी ऑप्शन रहेगा दोस्त राइट आंसर। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद के तहत धार्मिक व्यय के लिए निश्चित धन पर कर की अदायगी से छूट प्रदान की गई है? तो ये अनुच्छेद 27 के तहत की गई है। ए ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट, जब राष्ट्रपति के द्वारा वित्तीय आपात की उद्घोषणा की जाती है तब संसद के द्वारा इसका अनुमोदन कितने दिनों के अंतर्गत किया जाना चाहिए? तो 2 माह के अंतर्गत किया जाना चाहिए। सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट, संविधान सभा द्वारा प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? ड्राफ्टिंग कमेटी का जो गठन है ये किया गया था 29 अगस्त 1947 को, ठीक है। तो बी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट, संविधान में अंतर्विष्ट राष्ट्रीय आपातकाल की जो आपात की जो घोषणा है राष्ट्रपति द्वारा अब तक कितनी बार की गई है? 3 बार की गई है दोस्तों राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। कब कब दोस्तों? 1962 में की गई है, 1971 में की गई है और 1975 में की गई है। 1962 में चीन युद्ध हुआ था उस वक्त। 1971 में दोस्तों याद रखना जब पाकिस्तान के साथ युद्ध था, और 1975 में मेरे प्यारे दोस्तों याद रखना आंतरिक अशांति के कारण हुआ था, ठीक है। तो डी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, 3 बार। नेक्स्ट,
संविधान के किस अनुच्छेद में निहित प्रक्रिया के अनुसार संविधान में संशोधन करने का प्रावधान है? तो ये अनुच्छेद 368 में है। डी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने कब गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? तो गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया 30 मई 1987 को। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, संविधान में किन अनुच्छेदों में नागरिकता से संबंधित प्रावधान है? तो अनुच्छेद 5 से 11 में है नागरिकता से संबंधित प्रावधान। डी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारत में किस राज्य में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लागू किया गया? तो पंजाब में लागू किया गया सबसे पहले राष्ट्रपति शासन। डी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, क्या आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है? दोस्तों अब नहीं कर सकता, अब नहीं कर सकता। बी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति को किससे वेतन दिया जाता है? किस निधि से? संचित निधि से वेतन दिया जाता है दोस्तों भारत के राष्ट्रपति को। बी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना किसके द्वारा की जाती है दोस्तों? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। डी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों पर कौन निर्णय कर सकता है? तो उच्चतम न्यायालय निर्णय ले सकता है। सी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट, संविधान सभा का संवैधानिक परामर्शदाता कौन थे? तो बी एन राव थे। बी ऑप्शन रहेगा दोस्तों राइट आंसर, बी एन राव। नेक्स्ट है, भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया? तो आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया भाषा के आधार पर सर्वप्रथम। डी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है, संसद के कितने स्तर होते हैं? उनके नाम बताइए। तो तीन होते हैं, बजट, ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन। तीन होते हैं दोस्तों स्तर, बजट, ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन। ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट, संविधान के मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो सोवियत संघ के संविधान से लिए गए हैं संविधान के मौलिक कर्तव्य। ए ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये थे आज के हमारे क्वेश्चन जो भी कंप्लीट हो गए हैं। क्लास को लाइक नहीं किया है लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। फ्री पीडीएफ के लिए जल्दी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना ताकि प्रति क्लास का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आज के लिए इस क्लास में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।